हाय गाइस, आज राइडिंग करने का मन कर रहा था, चल रहे हैं राइडिंग करने के लिए। हम लोग राइडिंग के लिए निकल चुके हैं, तो चलते हैं राइडिंग के लिए। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं राइडिंग के लिए। बहुत ही काफ़ी ऐसे ऐसे जगह में ट्रैफिक पड़ रहा है कि गुस्सा आ जा रहा है। कहीं कहीं भी तो कुछ भी नहीं, पूरा मूवमेंट खाली लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं भी इतना ज़्यादा काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है ना, पूरा गुस्से से दिमाग ख़राब हो जा रहा है। तो चलते हैं इस गली से शॉर्टकट रास्ता पकड़ के, उधर तो बहुत काफ़ी भीड़ चल रहा है, तो शॉर्टकट रास्ता पकड़ के चलते हैं हम लोग। अभी आप लोग को पता नहीं है ये रूट आप लोग को, लेकिन मैं आप लोग को न्यू रूट लेके चल रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा रूट है, शॉर्टकट रास्ता भी है, बहुत जल्दी भी पहुँचाता है। तो मुझे ग्राउंड मारना है ऐसे करके नाराकुम गुड़ा होके, तो ये रूट सबसे बेहतर होगा। क्यों बोले तो वहाँ पे आगे चल के ट्रैफिक वगैरह होगा, तो इसलिए वो रूट जाना अच्छा नहीं है, तो ये रूट सबसे बेहतर होगा। रास्ता देख सकते हैं यारों, कितना भयानक, कितना खतरनाक है। टर्निंग एक ही रूट है जाने के लिए, देख सकते हैं एक ही रूट पे पूरा टर्निंग कितना भयानक है। यहाँ से कोई अगर कोई हॉर्न नहीं बजाया तो समझो गया हो। इसके लिए जो भी आप लोग को टर्निंग पड़े तो टर्निंग पे स्लो बाइक चलाया करें, जैसे कि मैं चला रहा हूँ। तो चलते हैं थोड़ा जल्दी, मैं थोड़ा जल्दी से काम है मेरे को, तो चलते हैं थोड़ा फास्ट में। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट के रूट से हाईवे पे पहुँच गए, तो हाईवे के रूट से चलते हैं, थोड़ा जल्दी आसान होगा रास्ता। कितना शॉर्टकट चलेंगे, थोड़ा हाईवे भी जाना ज़रूरी है। तो हम लोग हाईवे पे स्टार्ट हो गया है चलना। आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आज उतना मोमेंट भी नहीं है, उतना काफ़ी भीड़ भी नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है उतना हाईवे पे। तो आज राइडिंग करने के लिए बहुत ही बेहतर अच्छा दिन है, खासतौर पे संडे को यार। बाकी एवरीडे तो सबका ऑफिस चलता है, तो ऑफिस के दिन सब पूरा लोग बिजी हो जाता है, काफ़ी रास्ता मोमेंट इतना काफ़ी भीड़ हो जाता है कि चलने में बहुत मुश्किल होता है, पैदल चलने में बहुत मुश्किल होता है यार, गाड़ी चलाना तो दूर बात है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा मोमेंट है तो चलने के लिए। यार काफ़ी धूप भी लग रहा है और बहुत हवा भी चल रहा है, तो ऐसा धूप में चलने के लिए, राइडिंग करने के लिए पूरा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो पूरा फेस जल जाता है, इतना काफ़ी गरम हवा आ रहा है ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो फिर भी इसी में चल रहे हैं, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, सुकून भी मिल रहा है, नसीब वाला हूँ जो जानते हो क्या हुआ। मैं जैसे सिग्नल के पास पहुँचा वैसे सिग्नल खुल गया, तो मैं कितनों को कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छा लगा यार। ऐसे नहीं तो धूप में वेट करने के लिए बहुत गुस्सा आता है, दिमाग खराब भी होता है, तो मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा। जैसे मैं वहाँ पर बोला सिग्नल खुल गया तो चलता बना। गाइस, हम लोग गच्ची बोली में आ चुके हैं, अब चलते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, क्यों बोले तो भूख भी लग रहा है और नींद भी लग रहा है, तो पार्क करके चलेंगे। गाड़ी पार्किंग में लगा चुके हैं, चल रहे हैं थोड़ा रूम की तरफ, हॉस्टल की तरफ चलते हैं।